हिसार में उपायुक्त कार्यालय के बाहर वामपंथी पार्टियों द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली दंगों की आड़ में विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने, कोरोना का बहाना बनाकर मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी कानून बनाने और नरेगा का काम 200 दिन करने के विरोध में वामपंथी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कामरेड सुरेश कुमार ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र की रक्षा में और दमन विरोधी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार कानून व्यवस्था की मशीनरी का घोर दुरुपयोग करते हुए चुन चुन कर पक्षपाती और प्रतिशोधी इरादों से राजनीतिक विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। पहले भीमा कोरेगांव मामले में ऐसा किया गया, अब दिल्ली हिंसा के मामले में असली मुजरिमों को तो बचाया जा रहा है और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार का रुख भी दमनात्मक बना हुआ है। हाल में किसानों पर लाठीचार्ज और केस दर्ज करने के अलावा आशाओं ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्यवाही की गई है। कोविड की आड़ में धरना प्रदर्शन के जनतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज का ये प्रदर्शन है तीनों वामपंथी पार्टियां और स्वराज इंडिया की ओर से ये प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका गया। मुख्य जो आज का मुद्दा है वामपंथी पार्टियों का, स्वराज इंडिया का, कि ये सीए के खिलाफ जो पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चला था अल्पसंख्यक और दूसरे लोगों के द्वारा, उसमें जो जो लोग वहां गए थे, चाहे उसमें नताशा नरवाल है, चाहे कॉमरेड सीताराम येचुरी है, चाहे डी राजा है, चाहे योगेंद्र यादव जी हैं, ऐसे और बहुत लोग हैं प्रगतिशील विचार के लोग जो सरकार को ये कह रहे थे कि सीए जो आएगा ये जनता विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये देश को तोड़ेगा, देश में आपस को बांटेगा। इस सवाल को लेकर हमारे लोग वहां समर्थन में जितने भी जो लोग जा रहे थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके देश द्रोही तक के उनके जेल में डालने की तैयारी है। बहुत लोगों को जेल में डाल भी दिया जा चुका है। तो हमारा पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टियों, स्वराज इंडिया और ऐसे प्रगतिशील विचारों के जितने भी पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब लोगों का ये पूरे हिंदुस्तान के आज आह्वान है, जिसके तहत हमने प्रधानमंत्री का पुतला ये आज फूंका। अभी अरेस्ट तो उन्होंने उमर खालिद को अरेस्ट कर रखा है, इधर नताशा नरवाल जो हमारी छात्र नेता है उनको अंदर कर रखा है, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके नाम एक एक लिस्ट में बताएं तो बहुत सैकड़ों लोग हैं। बहुत लोग अभी भी हमारे सीताराम येचुरी, डी राजा, योगेंद्र यादव, इन लोगों पर, मुख्य लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हैं और बहुत हैं उनके साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि इन सवाल को लेकर हम लगातार लड़ेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।